नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विभाग से कक्षा 10 का। विद्युत धारा क्या है? मात्रक सहित विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आप कक्षा 10 अच्छे अंक लाना चाहते हैं या फिर साइंस में आपकी अच्छी रुचि है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो उसके। यदि वो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें ताकि हम विभिन्न विषयों की वीडियो इस चैनल पर दे सकें आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विद्युत धारा क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा पढ़ने से पहले हम जानते हैं चालक क्या होता है। सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे, चालक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा आसानी से जा सकती है, वो तो होता है चालक। और ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं जा सकती वो हो गया ए चालक। चालक जैसे तांबा का तार है, लोहे का तार है, प्लास्टिक हो गया ए चालक। ठीक है दोस्तों, ये आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं तो ये ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा का आप जैसे ही जिक्र होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बिल्कुल वादे के साथ अपनी बुद्धि लगाते हुए हम पढ़ेंगे। ये लो दोस्तों, हम लेते हैं सबसे पहले एक चालक तार। इतनी बात समझ गए आप? सबसे पहले हमने एक चालक तार ले लिया। इसका ये एक सिरा ये है, इसका एक सिरा ये है। पहले सिरे को मैं ए कह दूँ, दूसरे सिरे को मैं बी कह दूँ। इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी दिमाग में। ठीक है दोस्तों विद्युत धारा पढ़ने से पहले एक बात और कह दूं कि मैंने बोला था कि जब मैं एक चालक तार लेता हूं, चालक समझ गए जिसके अंदर विद्युत धारा आसानी से जा सकती है। मैंने एक चालक तार ले लिया, इतने बात समझ में आ गई। इसके दो सिरे मैंने बताए ए और बी, आप कह खे कुछ भी जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने एक चालक तार लिया है, सिंपल सी बात। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया चालक तार। अब देखिए दोस्तों, अब इस सिरे से इस सिरे पर आवेश, इस सिरे से और इस सिरे तक क्या जाएंगे? आवेश जाएंगे। जो आवेशों की प्रवाह की जो दर है उसे बोलते हैं विद्युत धारा। अब आप बोलेंगे सर जी वो कैसे, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ आवेश की। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आप पूछेंगे सर जी वो कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आपको आवेश मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश है वो रगड़ने से उत्पन्न होते हैं, घर्षण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश को हमेशा डीनोट करते हैं क्यू से, ये याद रखना। आवेश को किससे नोट करते हैं? क्यू से नोट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हम आगे जिक्र करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी, हमने एक तार लिया था, इसके दो सिरे थे ए और बी। अब एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवेशों प्रवाह की जो दर है उसे बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा हमेशा उच्च सिरे से, विद्युत धारा हमेशा उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर बहेगी। उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर बहेगी, ये आप भी याद रखना। आधे अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पानी है वो भी उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर बहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी।
उसी प्रकार विद्युत धारा भी है उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर बहती हो। अब हम बात करते हैं किस प्रकार हमें परिभाषा लिखनी है, आपको परिभाषा किस प्रकार लिखनी है, ये तो बात आपके दिमाग में सेट करनी थी, ये दिमाग में समझना अति आवश्यक था। चलिए दोस्तों, आप किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले आप रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए आवेशों की प्रवाह दर, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ये लिख लीजिए दोस्तों परिभाषा। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा, मैंने बोला था विद्युत धारा जिसे आई से लिखते हैं, ठीक है, आवेशों की प्रवाह है कि दर, किसकी दर दोस्तों, आवेशों की, तो आवेश बटा में क्या होगा, समय, ठीक है, तो विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, आवेश को मैंने बोला था दोस्तों क्यू से लिखेंगे, समय को लिखेंगे किससे, समय को किससे लिखेंगे दोस्तों, टी से, समय को किससे लिखेंगे, टी से। इतनी बात आप क्लियर हो गई, ये अपना सूत्र बन गया विद्युत धारा। एक बार फिर बता दूं, विद्युत धारा को आई से लिखती है, मैंने इसलिए विद्युत धारा की आई लिखा है, बराबर का निशान लगाया है, मैंने बोला था विद्युत धारा होती है आवेश बटा में समय, आवेश को मैं क्यू से लिखता हूँ बट्टा, और समय को मैं टी टाइम लिखता हूँ। इतनी बात क्लियर। अब हम निकालते हैं मात्रक, क्या निकालते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, चलिए हम विद्युत धारा का मात्रक निकाल लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। विद्युत धारा का मात्रक रटना नहीं है, बिल्कुल भी मना है, तो हमने बोला था आई विद्युत धारा है हमारी, क्यू बट्टा में टी यानी कि आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, जिंदगी में याद रखना। टी समय का मात्रक हम जानते हैं सेकंड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे दुनिया की कोई सी भी किताब लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। समय का हो गया सेकंड, ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, हमने लिखा था आई बराबर में क्यू बटा में टी, मैंने बोला क्यू का मात्रक कूलाम है और इसका है सेकंड, ठीक है, कूलाम को मैं लिखता हूँ सी से और सेकंड को लिखता हूँ एस से। अब देखिए दोस्तों, इसकी घात एक है, इसकी भी घात एक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सी एस इनवर्स, कहने का मतलब है ये घात एक ऊपर जाएगी तो घात के नियम के अनुसार ये माइनस की एक हो जाएगी, तो ये हो गया सी इनवर्स, जिसे बोलते हैं एम्पियर, कूलाम बटा सेकंड को क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर, कूलाम बट्टा सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, जिससे लिखते हैं ए सी। तो आप ये हमेशा याद रखना कि सी बट्टा जो एस होगा वो ए होगा, एम्पियर होगा, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मात्रक की, बात हमारे समझ में आ गई बिल्कुल, आई बराबर हमने पढ़ा था क्यू बटा में टी, तो आई का मात्रक हो गया ए, ठीक है दोस्तों, इसका सी और इसका है एस, ठीक है, तो एम्पियर हो गया, किसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है वो, एम्पियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों
एक एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, एक एम्पियर पूछा जा सकता है, दो एम्पियर पूछा जा सकता है, तो आपको रटना नहीं है, ये कोई चालक तार है। ठीक है दोस्तों, जब किसी चालक तार में 1 सेकंड में, 1 सेकंड आपको सेकंड लेनी है, 1 सेकंड में एक एक सेकंड में एक गुलाम आवेश एक सिरे सिंधु सिरे तक ले जाया जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक एम्पियर की परिभाषा बोलते हैं। दोस्तों वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें, यदि आपको शुद्धता के साथ विज्ञान को सीखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, ये कोई तार है, इसमें एक एम्पियर की परिभाषा दे रहे हैं हम, तो एक गुलाम आवेश को 1 सेकंड में ले जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, जैसे कैसे ले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें बात करनी थी एक एम्पियर, ये एक एम्पियर लिख लिया, हमने बोला एक गुलाम या एक लिख लिया। ठीक है दोस्तों, बट्टा में इधर 1 सेकंड, तो एक से एक काटेगा तो क्या आएगा, एक एम्पियर ही आएगा, तो इसकी परिभाषा होगी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक गुलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा यानी कि एक एम्पियर विद्युत धारा बोलते हैं। अब आपसे ऐसा नहीं कि भाई एक एम्पियर पूछ ले, आपको पूछ ले 4 एम्पियर किसे कहते हैं, 4 एम्पियर की परिभाषा दो, आप सीधी सी बात है तार लीजिए, ये ले लिया अपने तार, अब जाइए आप सेकंड पर, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेकंड में यदि 4 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार में 1 सेकंड में 4 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम उसे 4 एम्पियर कहते हैं। तो कैसे, ये लीजिए आपका सूत्र था, I बराबर में Q बटा में T, Q का मान है अब 4 गुलाम और T का मान है 1, तो 4 में 1 का भाग दें कितना आएगा 4, तो ये हमारी किसकी परिभाषा होगी 4 एम्पियर, I बराबर में 4, तो ये हो गया 4 एम्पियर। बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों, यदि समझ में आया था ज़रूर कमेंट करें, धन्यवाद।